यह घटनाएं इस दिन की थी जो महत्वपूर्ण रही। अगला दिन गुरुवार, यह गुरुवार छत्रपति शिवाजी महाराज के शिव राज्याभिषेक की यादें ताज़ा कर गया। गुरुवार को छत्रपति शिवाजी महाराज के शिव राज्याभिषेक की 339वीं वर्षगांठ मनाई गई। 6 जून 1676 में रायगढ़ पर यह शिव राज्याभिषेक समारोह संपन्न हुआ था। गुरुवार को ही मनपा आयुक्त ने शहर के सामाजिक संगठनों को आगे आकर शहर के सौंदर्यीकरण की कमान संभालने की अपील की थी। सामाजिक संगठन स्वयं फूर्ति से आगे आए और शहर को सर्वांग सुंदर बनाए ऐसा पक्ष इस बैठक में रखा गया, जिसे सामाजिक संगठनों ने हामी भरी है। अब जल्द ही शहर सर्वांगीण सुंदर होने की राह देखी जा रही है। ते सौंदर्यीकरण काही भाग किंवा लहान गार्डन्स जे आहे ते लॉयन्स क्लब, रोटरी क्लब्स ज्या स्वयंसेवी संस्था आहे त्यांनी मेंटेन करावं आणि डेव्हलपमेंट करावं, मेंटेन करावं यावर एक सभा आयोजित केली होती। त्या सभेला जवळपास सगळ्या स्वयंसेवी संस्था अंबावतीत ते आलेल्या होत्या आणि चर्चा झाली। त्या चर्चेमध्ये असा विषय होता की त्यांना काही राईट्स ॲडव्हर्टाईजमेंटचे पाहिजे आहेत आणि अजून जे काही शंका कुशंका होत्या त्याचं आपण निरसन केलं। आता मुद्दा एकच उपस्थित झाला की कोणी किती भाग मेंटेन करायचा, तर त्यासाठी आपण त्यांना गावामध्ये जेवढे काही रोड डिवायडर्स आहे आणि सौंदर्यीकरण आहे त्याची यादी दिली आहे आणि पुढच्या वीकमध्ये पुन्हा बसून त्या सविस्तर डिटेल्स प्लॅन आपण करूया। तो दूसरी ओर मनपा आयुक्त ने शहर के पार्किंग के समस्याओं को सुलझाने के लिए मल्टी कार पार्किंग यूनिट को शहर में बनाने की मीमांसा व्यक्त की। पूरी तरह से हाइड्रोलिक यूनिट से लेस यह मल्टी कार पार्किंग का यूनिट यानी कांच की बहुमंजिला इमारत, यहां कार सुरक्षित रहेंगी और इमारत के बाहर से भी दिखाई देंगी। शहर में यह मल्टी कार पार्किंग यूनिट कार्यान्वित करने की मीमांसा व्यक्त की गई है, इससे पार्किंग की समस्या सुलझने की उम्मीदें भी जताई जा रही है। इसी गुरुवार को शहर के आपराधिक घटनाओं में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे पुलिस महकमे पर उंगलियां उठाई गई। बस डिपो परिसर साइंस कोर मैदान में लगने वाले अंडों के गाड़ियों पर हुए विवाद में एक युवक का कत्ल हो गया, जिसके बाद पुलिस सख्ते में आ गई और शहर भर के अंडे की गाड़ियों पर आततायी कार्रवाई शुरू हो गई। शहर भर किसी भी इलाके में अंडों की गाड़ियां नहीं लगाने का फरमान ही पुलिस ने निकाला है और इसी फरमान पर कार्रवाई महानगर में जारी है। शहर के हर गली चौराहे पर की गाड़ियां इस कार्रवाई के तहत हटाई जाना शुरू है। इसी गुरुवार को यशोदा नगर में एक युवक के पीछे नंगी तलवारें लहराते कुछ युवकों को दौड़ते स्वयं थानेदार राउत ने अपनी आंखों से देखा, जिसके बाद आनन फानन में इस इलाकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस के यूनिट ने पूरा परिसर घेर लिया। इन आपराधिक गतिविधियों के बोलबाले से पुलिस पर ही अकार्यक्षमता और उदासीन रवैये के इल्जाम का ठिकरा फोड़ा जा रहा है, तो दूसरी ओर पुलिस अपना काम बखूबी से निभाने का दावा कर रही है। गुरुवार का पूरा दिन ऐसे ही आपराधिक गतिविधियों से लिप्त था। बाद में उगा शुक्रवार का सूरज। इस शुक्रवार को कईयों छात्रों के चेहरे पर मुस्कान छाई। इस दिन 10वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे ऑनलाइन घोषित किए गए।
इस बार भी लाडली बेटियों ने ही अपना अव्वल स्थान वाला रिकॉर्ड कायम रखा। संभाग और अमरावती के नतीजों में भी बेटों पर बेटियां ही भारी पर रही। सभी गुणवंत छात्रों का जाहिर अभिनंदन हो रहा है। राज्य का जो निकाल जो लागलेला है तो 83.48% लागलेला है। आपल्या अमरावती विभागाच्या बाबतीत बोलायचं झालं तो अमरावती विभागात 1,59,788 विद्यार्थी परीक्षेला बसलेले होते, त्यापैकी 1,18,753 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले। अमरावती विभागाचा जर विचार केला तर अमरावती विभागामध्ये 0% निकाल लागणाऱ्या 6 शाळा आहेत, 10% पर्यंत निकाल लागणाऱ्या ज्या शाळा आहेत त्या 7 आहेत, 20% पर्यंत निकाल लागणाऱ्या ज्या शाळा आहे ते 19 आहे आणि 30% च्या खाली असणाऱ्या शाळा 47 आहे। आणि एक आनंदाची गोष्ट म्हणजे अशी की 100% निकाल लागणाऱ्या शाळा 128 आपल्या विभागामध्ये आहेत। इस सप्ताह की सबसे अहम घटना रही मानसून का दमदार आगाज। इस सप्ताह से बरसात के मौसम की आधिकारिक रूप से शुरुआत हो गई। मानसून ने भी समय पर अपनी दस्तक दी और किसानों सहित तमाम नागरिकों के चेहरे पर भी मुस्कान बिखर आई। शहर समेत समूचे जिले को इस बारिश ने शीतलता का सुखद एहसास कराया। अब आगामी 4 महीनों का कार्यकाल बारिश का रहेगा और चिलचिलाते धूप के मार से राहत मिलेगी, जिसकी शुरुआत इन बरसे मानसून की फुहारों ने कर दी है। इसी शुक्रवार को पुलिस और अन्न व औषधि प्रशासन विभाग ने शहर भर 3 जगह पर छापामार कार्रवाई कर 5 लाख रुपयों के गुटखे का जखीरा बरामद किया। समूचे शहर और जिले भर गुटखा और पान मसाला धड़ल्ले। अब खबरें रविवार के दिन भर की। बडनेरा मार्ग पर हुए एक सड़क हादसे में 3 लोग जख्मी हो गए। दुपहिया और ट्रक के बीच हुए हादसे में वैभव देशमुख, प्रदीप लोनारे, अतुल सोलंके, इन तीनों को गंभीर चोटें आई है। ये तीनों दुपहिया पर सवारों को ट्रिपल सीट कही जा रहे थे, उसी बीच ये हादसा हो गया। परिसर के नागरिकों ने ही इन तीनों को अस्पताल पहुंचाया था। लोकहित संगठन द्वारा आयोजित 5वां रक्तदान शिविर रविवार को साईनगर में संपन्न हुआ। साई बाबा मंगल कार्यालय में आयोजित इस रक्तदान शिविर में महिला एवं पुरुष रक्तदाताओं ने स्वयं फूर्ति से रक्तदान कर शिविर के आयोजन को सफल किया। 2008 या दिवशी लोकहित संघटनेची स्थापना झाली। लोकहित संघटनेचा स्थापनेचा उद्देश असा होता की समाजासाठी आपण काहीतरी समाजासाठी केलं पाहिजे आणि त्याच निमित्तानं त्याच माध्यमातून लोकहित संघटनेचं हे 5वं रक्तदान शिबिर आहे। वक्त हुआ है आपसे विदा लेने का। अंत में फिर एक बार देखेंगे साप्ताहिक की हेडलाइंस। अतिक्रमण पर घूम रहा है गजराज। अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई को अंजाम दे रही महापालिका, बड़े अतिक्रमण गिरने की देखी जा रही राह। शहर भर फैला है अतिक्रमण का मकर जाल। मंगलवार को निशब्द हुई निशब्द की हीरोइन जिया खान, फांसी लगाकर दी जान, बॉलीवुड आया सत्ते में। पर्यावरण बचाओ का संदेश दिया बुधवार ने। धरती को बचाने की जाहिर अपील कर मनाया गया जागतिक पर्यावरण दिन। भरे मनपा सदन में वीडियो गेम खेलना महंगा पड़ा डॉक्टर गुलाने को, महापौर ने थमाया शोकॉज। सिटी न्यूज के बुलेटिन पर हुई कार्रवाई। मल्टीकार पार्किंग प्रोजेक्ट के डेमो ने बढ़ाई उत्कंठा, प्रोजेक्ट पूरा होने की देखी जा रही राह। शहर की सुंदरता भी बढ़ेगी और दूर होंगी यातायात की समस्या भी। आपराधिक गतिविधियां भारी पड़ी गुरुवार पर, एक का कत्ल तो दूसरे का हुआ कत्ल का प्रयास, पुलिसिया जवाबदेही पर उठ रही उंगलियां। शुक्रवार को खिले छात्रों के चेहरे, 10वीं के नतीजों की हुई ऑनलाइन घोषणा, इस बार भी बेटियों ने ही बनाया रिकॉर्ड। मानसून ने दी दमदार दस्तक, किसानों के भी चेहरे खिले, अब मानसून के यात्रा पर लगी है सभी की नजरें। पुलिस महकमा अचानक आया सकते में, अंडे के गाड़ी के विवाद की पुनरावृत्ति टालने शहर भर के हॉकर्स और अंडे की गाड़ियां हुई जब्त, सभी को गाड़ियां ना लगाने का दिया जा रहा अल्टीमेटम।
लाखों के गुटखे का जखीरा बरामद। पुलिस और औषधि प्रशासन के अनदेखी से शहर भर खुलेआम बिक रहा है गुटखा और पान मसाला। इसी तरह हर रविवार को आपको पूरे सप्ताह भर के घटनाओं से ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे। आपके सुझाव भी सादर आमंत्रित है। हर खबर और हर घटना पर है हमारा ध्यान। हम हैं आपकी सच्ची आवाज। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। जय हिंद। इस दिन सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है India Bulls Home Loans